Hello students, here is your lesson number 1 about me and this is your revision of lesson number 1. The vegetable that I like is, इसमें से आपको कौन सा vegetable पसंद है, इधर आपको name mention करना है. The color I like is red, blue, black, brown or yellow, इसमें से आपको कौन सा color पसंद है यहाँ पर आपको mention करना है. The dress that I like is, the fruit that I like is, the pet that I like is. Now my name is, इधर आपको आपका नेम राइट करना है. आई एम ए बॉय और अ गर्ल. माई पैट नेम इज, मेरा जो पैट नेम है मीन्स घर पे आपका निक नेम है वो आपको लिखना है. आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. आई एम 6-7 ईयर्स ओल्ड. आई एम इन अ क्लास सेकेंड सेक्शन ए बी सी. आई हैव ब्लैक ब्राउन ग्रे ब्लू आईज. आपकी ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, ब्लू है आईज, जैसी आपकी आईज है अब यहाँ पर आपको कलर इधर मेंशन करना है. माई हेयर इज ब्लैक और ब्राउन. अगर आपके हेयर ब्लैक है तो आप ब्लैक पर टिक करें, ब्राउन है तो ब्राउन. माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज, इधर आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम मेंशन करना है. माई बर्थडे इज ऑन. बर्थडे कौन सी डेट को आता है. माई एड्रेस इज, आपका घर का एड्रेस. नाउ पेस्ट योर पिक्चर हेयर. आपको इधर एक पासपोर्ट साइज फोटो पिक्चर स्टिक करना है. नेक्स्ट, ड्रॉ फॉर द एक्टिविटीज यू कैन डू एंड ड्रॉ फॉर दोज यू कैन नॉट डू. मीन्स ड्रॉ ऐसे जो आप एक्टिविटीज कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते उसके लिए सैडी फेस. आई कैन कॉम माई हेयर. तो राइट मीन्स आप कर सकते हैं अपने हेयर को कॉम. ड्राइव अ कार, आप ड्राइव नहीं कर सकते. शार्पन माई पेंसिल, पेंसिल शार्प कर सकते हैं. राइड अ हॉर्स, हॉर्स को राइड नहीं कर सकते. पॉलिश माई शूज, येस यू कैन डू, यू कैन पॉलिश योर शूज. सो हियर इज अ लेसन नंबर 1 इज फिनिश्ड एंड दिस इज फन टाइम एक्टिविटी. इन्विटेशन कार्ड, डियर आपके फ्रेंड का नाम इधर मेंशन करना है. प्लीज कम टू माई बर्थडे पार्टी एट माई होम. एट कितने बजे है और कितने बजे खत्म होगी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर या नेम. दिस इज योर लेसन नंबर 2, माई फैमिली रिविजन. ड्रॉ बर्थडे कार्ड फॉर योर कजिन. यू मे यूज द स्पेस गिवन अलॉन्ग साइड. यहाँ पर आपको एक बर्थडे कार्ड ड्रॉ करना है. नाउ हेलो, आई एम नितिका. आई एम अ गर्ल. रवि इज माई ब्रदर. आई एम हिज सिस्टर. रवि जो है मेरा भाई है, मैं उसकी सिस्टर हूँ. आई वी लिव इन आवर हाउस विद आवर, वी लिव विद इन आवर होम विद आवर मदर एंड फादर. हम हमारे मम्मी डैडी के साथ रहते हैं. देर आर 4 मेम्बर्स इन आवर फैमिली. हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं. आर्स इज अ न्यूक्लियर फैमिली. हम न्यूक्लियर फैमिली हैं. न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली. फादर, मदर, नितिका एंड हिज ब्रदर, हर ब्रदर रवि. नेक्स्ट पेज, माय फादर एंड मदर्स पेरेंट्स आर माय ग्रैंड पेरेंट्स. मेरे मम्मी डैडी के जो पेरेंट्स हैं वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं. दे लिव विद माय अंकल्स फैमिली. वो हमारे अंकल फैमिली, अंकल की फैमिली में रहते हैं. माय अंकल इज माय फादर्स यंगर ब्रदर. मेरे अंकल जो हैं वो मेरे डैडी के यंगर ब्रदर हैं. हिज वाइफ इज माय आंट. उनकी जो वाइफ है वो मेरी आंट है. माय अंकल्स चिल्ड्रन आर माय कजिन. मेरे अंकल के जो चिल्ड्रन हैं उनके जो बच्चे हैं वो मेरे कजिन हैं. देयर फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली. अ जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली. उनकी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली है और वो बिग फैमिली है. दे ऑल लिव इन अ बिग हाउस. वो सारे लोग एक बिग हाउस में रहते हैं. ड्यूरिंग समर वेकेशन वी विजिट देयर होम. समर वेकेशन में हम उनके घर जाते हैं. कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल एंड आंट. वी ऑल इन्जॉय लिविंग एंड प्लेइंग टूगेदर. माई ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजिन आर माई रिलेटिव. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल, आंट और कजिन हैं, मेरे सारे रिलेटिव हैं. वो प्लेइंग विद कजिन्स वैकेशन, समर वैकेशन में वो लोग ऐसे इन्जॉय करते हैं. हाउ डू यू कॉल द फॉलोइंग मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली. फादर्स फादर, ग्रैंड फादर. मदर्स मदर, ग्रैंड मदर. फादर्स यंगर ब्रदर, अंकल. आंट एंड अंकल्स चिल्ड्रन, कजिन. Besides vacation, all the family members meet at the time of weddings and festivals. Vacation के अलावा means family members जो हैं वो weddings और festival पे मिलते हैं. We all enjoy and have a lot of fun together. हम लोग enjoy करते हैं और fun करते हैं साथ में. We remain in touch with our relatives by writing letters to them. हम touch में रहते हैं एक दूसरे के साथ जब हम letters write करते हैं. तब we also send emails to them. हम emails भी send करते हैं. वी सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स. हम ग्रीटिंग कार्ड्स भी सेंड करते हैं टू आर रिलेटिव्स टू विश देम ऑन फेस्टिवल. उन्हें विश करने के लिए फेस्टिवल्स पे. सेलिब्रेशंस एंड इम्पॉर्टेंट डेज वी ऑल्सो स्पीक टू देम ओवर द टेलीफोन.
हम टेलीफोन पर भी बात करते हैं। वी लव आर रिलेटिव एंड केयर फॉर देम, हम हमारे रिलेटिव से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत केयर करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली डू यू लिव इन, आप कैसी फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के साथ आप कैसा टाइम स्पेंड करते हो। नाउ क्विज, लुक एट द पिक्चर्स एंड से व्हाट टाइप ऑफ फैमिली ईच इज। ये वाली जो फैमिली है दैट इज न्यूक्लियर फैमिली, एंड ये जो फैमिली है दैट इज जॉइंट फैमिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। नाउ हियर इज योर नेक्स्ट पेज, टिक द करेक्ट आंसर। जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली जो है वो बिग फैमिली है। सिंगल फैमिली, स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली, सो राइट आंसर इज बिग फैमिली। माई फादर्स यंगर ब्रदर इज माई अंकल, आंट और ग्रैंड फादर। अंकल, अंकल्स चिल्ड्रन आर माई अंकल्स कजिन्स और आंट्स मीन्स कजिन्स। अंकल के जो बच्चे हैं वो हमारे कजिन हुए। नितिकाज फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली। वी लव आर रिलेटिव एंड केयर फॉर देम, हम हमारे रिलेटिव को बहुत प्यार करते हैं और उनकी केयर करते हैं। माई फादर्स पेरेंट्स आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे फादर के जो पेरेंट्स हैं वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। बिसाइड्स वैकेशन वैन डू ऑल द फैमिली मेम्बर्स मीट, मीन्स बिसाइड वैकेशन कब फैमिली मेम्बर्स जो है मिलते हैं। बिसाइड वैकेशन ऑल द फैमिली मेम्बर्स मीट एट द टाइम ऑफ वेडिंग्स एंड फेस्टिवल, शादी के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम पे। वॉट डू वी राइट टू रिमेन इन टच विद आर रिलेटिव, वी राइट लेटर्स एंड ई मेल्स टू रिमेन इन टच विद आर रिलेटिव। हमारे रिलेटिव में रिलेटिव से टच में रहने के लिए हम लेटर्स लिखते हैं और ईमेल्स करते हैं। नाउ टेक द पिक्चर्स दैट शोन हेल्पिंग, यहाँ पर वो गार्डनिंग कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्लांट्स को। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहा है। सो दिस इज अ राइट थिंग। सो हियर इज अ लेसन नंबर 2 इज फिनिश्ड। In the next part, we are going to start our, in the next session, we are going to start our new lesson, Growing Up. I hope this video will help you to learn at home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned to learn next session. Bye-bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.